हेलो दोस्तों, राइट द कॉमन फैक्टर। आज का क्वेश्चन हमारा है राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 10 एंड 12। क्या बोला क्वेश्चन? राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 10 एंड 12। हमें इसके कॉमन फैक्टर निकालने, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले सबका फैक्टर निकालना पड़ेगा, 6 का, फिर 10 का और फिर 12 का। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का पहले तो हमें समझना होगा फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो कौन कौन से नंबर है जिनका सिक्स के साथ क्या होता है, डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, या सिक्स के टेबल में कौन कौन से नंबर जिनका सिक्स के टेबल में आता है। ठीक है, या सिक्स के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड जाता है। ठीक है, वो कौन सा नंबर है जो सिक्स से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमारा, हम बोलेंगे टू, तो टू का देखेंगे तो टू थ्री या सिक्स पूरा पूरा डिवाइड जा रहा, तो ये क्या है, टू इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमें देखना है वन, वन तो सबके टेबल में आता है, इससे पूरा पूरा डिवाइड भी जाता है। फिर देखेंगे टू, टू का भी थ्री के साथ पूरा पूरा डिवाइड जाता है, टू थ्री जै सिक्स, फिर थ्री, थ्री टू जै सिक्स, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा। ठीक है, और एक हो जाएगा सिक्स। तो ये हो गए सिक्स के फैक्टर, वन टू थ्री एंड सिक्स। ओके, ऐसे टेन का, वन से पूरा पूरा डिवाइड जाता है, टू से पूरा पूरा डिवाइड जाता, थ्री से नहीं जाता, फोर का नहीं जाता, क्योंकि थ्री का अगर हम देंगे टेन तो थ्री थ्री जै नाइन, रिमाइंडर वन बच रहा। ठीक है, तो ये नहीं है, फोर का भी नहीं है, तो कितना, फाइव, और फिर कितना होगा, टेन। तो ये पूरा पूरा डिवाइड जाता है, किससे जाता है, वन से, टू से, फाइव से और टेन से। अब ट्वेल्व में देखो, वन, वन तो सब में जाता है, वन ट्वेल्व जब ट्वेल्व, वन टेन जब टेन, वन सिक्स जब सिक्स, फिर टू का भी जाता है, टू सिक्स जब ट्वेल्व, फिर थ्री का भी जाता है, थ्री फोर जब ट्वेल्व, फिर थ्री फोर जब, तो फोर का भी जाएगा, फोर थ्री जब ट्वेल्व, फिर सिक्स का जाता है, फिर ट्वेल्व का जाता है। तो ये इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, तो हमने आप सबके फैक्टर निकाले, लेकिन हमारे तो कहा था कि कॉमन फैक्टर, क्या बोला, कॉमन फैक्टर, कॉमन होते सब में, तो एक तो हमारा क्या है, ये वन सब में, दूसरा हम देख रहे हैं टू भी सब में, ठीक है, थ्री यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ फोर है यहाँ भी नहीं है, सिक्स यहाँ है यहाँ नहीं है। तो यही एक दो कॉमन फैक्टर हम देखेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, जो सब में होगा, तीनों में होना चाहिए। कॉमन फैक्टर होंगे सिक्स, टेन और ट्वेल्व के, क्या होंगे, एक वन होगा एक टू होगा, यही एक दिख रहा, वन एंड टू दिख रहा, बाकी तो यहाँ फाइव है पर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ फोर है यहाँ पे ही नहीं है, सिक्स यहाँ सिक्स है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, वन एंड टू। ओके।